क्योंकि आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, अब आप एक स्टैचूटरी बॉडी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी हो गए हैं, तो एक तरफ आपके सियासी जमात है, दूसरी तरफ आपकी स्टैचूटरी बॉडी की जिम्मेदारी है, तो आप तरजीह किसकी पॉलिसी में देंगे? देखें जी, एज अ जो सियासी जमात होती है उसके अपने मकासद होते हैं, जो स्टैचूटरी जमात है पाकिस्तान बार काउंसिल उसके अपने मकासद हैं, तो अगर इन मकासद को अगर आप सियासी मकासद के साथ मिलाएंगे तो मैं समझता हूँ काम नहीं बनेगा। इधर हम बैठ के सियासत नहीं करेंगे, हमको चाहिए वकला की बेहतरी और जुडिशरी की बेहतरी और लॉस की बेहतरी की बात करें, सियासत ना करें। इधर आपको जैसे इल्म है कि पाकिस्तान बार काउंसिल इज़ द रेगुलेटरी बॉडी, हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी ऑफ लॉयर्स, तो इसलिए हमारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा बोझ आता है कि हम लीगल फ्रेटर्निटी जो है, हमारे वकला भाई जो है, उनकी क्या कहते हैं फ़ायदे के लिए, उनके क्या कहते हैं नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इकदाम उठाएँ जिससे कि लीगल फ्रेटर्निटी जो है उसको फ़ायदा हो। अगर लीगल फ्रेटर्निटी के साथ साथ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक जो कॉमन लिटिगेंट है उसकी जो मुश्किलात है हमको सामने रखनी है, जब तक कि एक कॉमन लिटिगेंट को एक चीफ जस्टिस या जस्टिस एट डोर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ लाने के लिए रूल ऑफ ऑर्डर भी ज़रूरी है, रूल ऑफ ऑर्डर लाने के लिए आपने एक कॉमन सिटीज़न है जो कि अदालत के अंदर आता है अपने मुश्किलात को लाकर, अपने मसाइल को लाके, उनका जल्द से जल्द हल होना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल अलॉन्ग विद द जुडिशरी जो है उनके साथ मिलकर काम करना बड़ा ज़रूरी है। जजिस के ऊपर भी जैसे कि वकला के ऊपर एक बोझ है, वकला का एक फ़र्ज़ है कि वो कॉमन लिटिगेंट को हेल्प करे ताकि उसको गोल मिले, क्या कहते हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ जजेस का भी ऊपर एक बोझ है कि वो एक कॉमन लिटिगेंट का ख्याल करें, और ये जो मुकदमात हैं, जो फ्रिवलिस लिटिगेशन है, इसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। फ्रिवलिस लिटिगेशन जब ही ख़त्म होगी कि जब जज साहिबान एक सख्त कदम उठाएंगे कि जिससे कि एक मैसेज जाए कि आपने कोई मुकदमा करना है तो जब तक क्या कहते हैं उसके अंदर जान नहीं आप मत आएँ। इसके लिए मैं समझता हूँ कि उनको कॉस्ट इम्पोज करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बेअंदाज़ा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। हुआ ये वजह क्या है पेंडिंग होने की, वजह यह है कि हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो तो बढ़ गए हैं, तमाम चारों सूबों के अंदर भी और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी जो हाई कोर्ट है जजेस की तादाद बढ़ गई है, क्योंकि सूबों के अंदर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेरिटरी के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, खाली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़रूरत है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इशू करती है, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने के लिए देयर इज एन एक्ट, उस एक्ट के अंदर तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के वही 17 जजेस हैं जो कि बेअंदाज़ा सालों से चले आ रहे हैं, मगर आप हाई कोर्ट के अंदर देखें नंबर ऑफ जजेस हैव इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली, इसकी वजह से लिटिगेशन जो है हाई कोर्ट की लिटिगेशन के जो फैसले हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जजेस ज़्यादा हैं, जब वो फैसले ज़्यादा हो गए हैं वही फैसले सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, जब फैसले ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो जजेस तो वही 17 हैं, तो वो कोप अप नहीं कर रहे, वो क्या कहते हैं इनके लिए एक प्रॉब्लम हो रहा है डिस्पोजल, वो बेअंदाज़ा कर रहे हैं, मगर लिटिगेशन बढ़ती चली जा रही है। अब या तो ये फ्रिवलेस लिटिगेशन को रोका जाए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज किया जाए। मैं समझता हूँ कि जब तक के इंक्रीज नहीं हो सकती थ्रू एन एक्ट, आइन इजाज़त देता है एडहॉक जजेस बनाने के लिए, कई बड़े अच्छे जजेस हैं जो रिटायर हो चुके हुए हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा करूँगा कि अभी जो कुछ वेकेंट हो गई हैं पोजिशन उनको फुलफिल करने के बाद एडहॉक जजेस लें जो कि रिटायर हो गए, ताकि उनका वो काम जो पेंडेंसी है वो कम हो। जब तक के जजेस इंक्रीज नहीं होंगे मैं समझता हूँ पेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी। और दूसरा ये जो एक रवीत चल पड़ी है कि सियासी मुकदमों को तरजीह दी जाती है और दूसरे मुकदमों को नहीं दी जाती, ये भी गलत है, दूसरे मुकदमा भी इतने इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी साथ साथ देखना चाहिए ताकि वो मुकदमा भी ख़त्म हो। जब तक ये बात नहीं होगी मैं समझता हूँ कि एक जो
अवाम है, जो कॉमन मैन है, वो कभी भी जुडिशरी से खुश नहीं होगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करेंगे पूरी बार काउंसिल को साथ लेके और अपने साथियों को देखे कि इस मुल्क के अंदर सही रूल ऑफ लॉ आ जाए। थैंक यू बहुत बहुत।